बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश वाराणसी से। वाराणसी में 25,000 का इनामी बदमाश कार्तिक उर्फ गोपाल सिंह साथी सहित पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। आज का दिन वाराणसी पुलिस के नाम रहा, जहां वाराणसी पुलिस ने लगातार 4 थाने में खुलासे किए हैं। वहीं आज थाना कैंट की पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश कार्तिक को गिरफ्तार किया है। आज रात थाना कैंट द्वारा जेपी मेहता के पास वाहन चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध व्यक्ति को आते देखा, जिसमें पीछा करने पर हल्की मुठभेड़ में दोनों को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी पहचान कार्तिक उर्फ गोपाल सिंह उसके साथी राहुल के रूप में की गई है। आपको बता दें, उनके पास एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 1 खाली खोखा, 45 रुपये नकद और 1 मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेंडर बरामद हुई है। वाराणसी से खुर्शीद आलम की रिपोर्ट, लाइव अभी तक। क्लास में थे मुजिमान के कुछ सूचनाओं के आधार पर, उनके मुठभेड़ होते हैं। ये 25,000 की इनामिया हुई है मास कार्तिक, उसके साथ ही राहुल नाम मास था, ये जे पी मेहता रोड के दायरे के पास ही बना रहे। उनसे जब लाके पूछताछ हुई तो मालूम चला कि ये कार्तिक वो कार्तिक है जिसमें 25,000 रुपये का इनाम था। अब 2016 से लगातार ये फरार चल रहा था, इसको बड़वाड़ी, येलोपुर और हमारे कई थानों के पोस्ट लगातार खोज रहे थे और ये मिल नहीं था। ये रहने वाला चुनाव का है, इसको ये SMS में आकर के 40 में विषय की पढ़ाई करना शुरू कर दिया था, लेकिन ये फिर आपराधिक गैंग में शामिल हो गया और ये लगातार इस पर हत्या के प्रयास, बलवे तथा लूट की घटनाएँ बनी हुई। इसी गिरफ्तारी से हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी मिली हैं, जिनके आधार पर आगे हम काम कर रहे हैं और ये गैंग लूट और स्नैचिंग में पूरी तरह से एक्टिव गैंग। सर, ऐसे पुलिस टीम को पुरस्कृत भी करेंगे क्या? 25,000 रुपये का जो इनाम राशि इस कार्तिक के ऊपर है वो हमारी टीम को मिलेगा और साथ ही इन्हें प्रशस्ति पत्र भी। सर, बरामद की बात की जाए तो क्या बरामद हुई? उनके पास से मोटरसाइकिल है बरामद हुई है, मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, तमंचा बरामद हुआ है, वो जो इनके वजह से था। पहले क्या रहते हैं कुल इनके कल 8 मुकदमे थे, कल इनको भी मुठभेड़ लगे तो 9 मुकदमे हुए हैं, जिनमें ये मानसिक।